स्वागत है आपका फ्री स्टडी बाय लोधी सर के यूट्यूब चैनल में। मैं कृपाल लोधी। स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने वाले हैं त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति जो कक्षा दसवीं में 9 अध्याय में है, इसके पहले हम त्रिकोणमिति के 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप यदि उनको देखना चाहें तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोज को आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हम बहुत ही कम समय में कक्षा दसवीं की लगभग पूरी गणित के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको बहुत जल्दी जल्दी आपके सामने लाने वाले हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। और आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से 4 या 5 अंक के त्रिकोणमिति में पिछली वार्षिक परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को हमने आज शामिल किया है अपनी स्टडी में। तो देखते हैं आज के जो प्रश्न होंगे, ये त्रिकोणमिति अनुपात पर आधारित क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं। 8.1 प्रश्नावली कक्षा दसवीं में, उसका प्रश्न क्रमांक 3 दिया है। कह रहे हैं यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए के मान ज्ञात करें। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप समझ पा रहे हो कि यदि साइन ए का मान दिया है, मतलब ये त्रिकोणमिति अनुपात कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? देखो, 3 और 4 का अनुपात है ना, अनुपात मतलब बटे, तो ये त्रिकोणमिति अनुपात पर आधारित क्वेश्चंस होते हैं। इनको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें ये इनके साइन कॉस टेन के मान हमें पता होना चाहिए। किसके? साइन कॉस टेन के मान हमें पता होना चाहिए। जैसा कि हमने शुरू के फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, और हमने आपको क्या बताया था, एक फार्मूला बताया था त्रिकोणमिति का बेस है कि ये होता है लाल बटे कका। और फिर आपको सिक्वेंस याद रखना होता है। क्या सिक्वेंस याद रखना होता था आपको? साइन कॉस टेन। ठीक है, तो अब इसमें देखो, हमें उस क्वेश्चन में साइन की बड़ी जरूरत है। साइन का मान क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ठीक, ये लिखा एल बटे के। तो साइन यदि लंब बटे कर्ण होता है तो यहां से हम क्या अनुमान निकाल सकते कि उनने हमें क्या दे रखा है। जैसे उनने दिया है साइन ए बराबर कितना दे दिया उनने? 3/4। इसका मतलब ये होगा कि उनने लंब दे रखा है 3 और कर्ण दे रखा है इसका कितना? कर्ण दे रखा है इसका कितना? 4। ठीक है, अब लंब और कर्ण हमें दे रखे हैं। अब हमें, चूंकि देखो हमें निकालना है कॉस और टेन, तो जैसे कॉस तो ठीक है, टेन क्या होता है? लंब बटे आधार। मतलब इसमें हमें आधार नहीं दिया है, तो हमें क्या फाइंड करना है? फिर हमें यहां से प्राप्त कर लेना है आधार। और जैसा कि आपको पता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में यदि आपको 2 भुजाओं के मान दे दिए गए हैं और वहां से आपको तीसरी भुजा का मान यदि फाइंड करना है, तो हम किसका उपयोग करते थे? आपको पहले से पता है हम उपयोग करते थे पाइथागोरस प्रमेय का। तो यहां भी स्टूडेंट्स यही कंडीशन बन रही है। क्या कंडीशन बन रही है यहां कि आपको यहां पर लंब और कर्ण यहां पर दे रखे हैं, हमें पहले क्या निकाल लेना होगा? आधार। जब हम किसी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं को प्राप्त कर लेते हैं तो जो भी त्रिकोणमिति अनुपात हमें निकालना, यहां तो 2 त्रिकोणमिति अनुपात लिखे हैं, एक ये तो हो गए 3, हम अन्य 3 भी बड़ी आसानी से निकाल सकते थे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज को ड्रा कर लेते हैं। ये बना लिया हमने समकोण त्रिभुज जिसका यहां पर कोई भी कोण, हाँ एक चीज ध्यान रखना, ए आप यही मानना, बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, त्रिकोणमिति में ये बहुत बड़ी सावधानी है। जैसे यहां साइन के साथ ए लिखा है तो ए आप न्यून कोण की जगह पर ही मानो, क्योंकि फिर इसके सामने की जो ये भुजा बनी रहेगी, ये क्या बनी रहेगी? न्यून कोण के सामने की भुजा, ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी, और समकोण के सामने की कर्ण हो जाएगी। ए यहां नाम हमने दे दिया तो बी और सी आप कहीं भी नाम दे सकते हो। इस प्रकार से हमें इनके नाम दे देना है। तो ये त्रिभुज बन गया ए बी सी। अब इसमें देखो लंब कितना दिया है? 3। तो यहां लंब की जगह मतलब बीसी की वैल्यू कितनी दे दी उनने? 3। तो यहां हमने 3 लिख दिया। फिर वो उनने कर्ण कितना दे रखा है हमें? उनने कर्ण दे रखा है 4। तो ये समकोण के सामने भुजा कर्ण कहलाती, तो
एसी की वैल्यू हमने कितनी रख दी, 4। और अब हमें क्या निकाल लेना है यहाँ से, आधार। यदि हम आधार और प्राप्त कर लें तो हम ये सभी निष्पत्तियां निकाल सकते हैं। मतलब इस प्रकार के यदि आपको क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा ध्यान रखना आपको दो भुजाएं समकोण त्रिभुज की दी होती हैं, तीसरी भुजा हमेशा ये नियम है पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाली जाती है, ठीक है। तो यहां जब हम हल कर रहे होंगे तो हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय सी। और जब हम यहां पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे होंगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती थी, कर्ण का वर्ग बराबर, तो यहां कर्ण क्या है, एसी है, तो हम यहां क्या लिख रहे होंगे, एसी का वर्ग बराबर, ठीक, लंब का वर्ग, यहां लंब बीसी है, लंब का वर्ग धन आधार एबी का वर्ग। अब हमें कौन कौन से मान दिए थे उसमें, उनने कर्ण एसी कितना दे रखा था, एसी 4, तो कर्ण की जगह हम यहां लिख देंगे 4 का वर्ग बराबर बीसी, लंब कितना दिया था 3, तो यहां लिख देंगे हम 3 का वर्ग। और ये 20 जो एबी आधार है ये अज्ञात है, एबी आधार अज्ञात है, तो ये जो कहते हो। अब 4 का वर्ग किया हमने तो कितना मिला, 16, 3 का वर्ग किया तो कितना मिला, 9, और धन एबी वर्ग। अब हम यहां पक्षांतरण कर रहा हूं क्योंकि अभी तो बराबर किस तरफ उस तरफ जुड़ घट नहीं सकते, ठीक है। जब हम इसका क्या कर रहे होंगे, जब हम यहां पर पक्षांतरण कर रहे होंगे तो हमें क्या मिल रहा होगा स्टूडेंट्स, हमें मिल रहा होगा 16, 9 इस तरफ आए तो ऋण क्यों होगा, 16 ऋण 9 बराबर एबी वर्ग। 16 में से जब आप 9 को घटा रहे होंगे तो यहां मिल रहा होगा 7 बराबर एबी वर्ग, या हम कहें पूरा का पूरा इस तरफ उस तरफ लिख दो, ये पक्षांतरण नहीं कहलाता। एबी वर्ग बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। यदि एबी वर्ग बराबर 7 आ गया तो जब हम एबी का मान निकाल रहे होंगे तो वर्ग यहां से हटता है, वर्ग यहां से हटता है तो यहां 7 पे क्या लग जाएगा, यहां से वर्ग हटता है तो सामने की संख्या पे क्या लगता है, वर्गमूल लगता है। तो यहां 7 पे क्या लग जाएगा स्टूडेंट्स, यहां 7 पे लग जाएगा वर्गमूल। तो ये एबी का मान हमने फाइंड कर लिया, मतलब ये हमने क्या प्राप्त कर लिया स्टूडेंट्स, ये हमने आधार प्राप्त कर लिया, और आधार हमें कितना मिल गया, करणी 7 या रूट ओवर 7। ये आधार हमने प्राप्त कर लिया, ये कितना मिल गया, रूट ओवर 7, ठीक है। ये हमने यहां पर नोट कर लिया। अब हमें क्या करना है इसके बाद, अब जो भी उनने हमसे प्रश्न कहा था, उनने प्रश्न क्या कहा था, अब अपन उसे देख लेते हैं। उनने क्वेश्चंस कहा था हमें मान काय का निकालना है, देखो उनने कहा है कि cos A और दूसरा काय का निकालना है, tan A का। तो अब आपको cos का फार्मूला याद होना चाहिए, तो देखो cos का फार्मूला हमने ये लाल बटे का जो आपको बताया था, ये साइन होता है, ये cos होता है। cos क्या होता था, a बटे k, मतलब आधार बटे कर्ण। cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो जब आप यहां cos a निकाल रहे होंगे, अब लिखोगे आप यहां, अब cos a, तो पहले तो आप cos का फार्मूला लिख दो। cos होता क्या है, आधार बटे कर्ण। cos होता है आपका आधार वटे कर्ण। अब हमने यहां आधार निकाले लिया, आधार कितना है, रूट ओवर 7, तो ये वर्गमूल 7 बटे कर्ण कितना था, 4। अब 7 कैसी संख्या है, 7 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यदि 7 अपरिमेय संख्या है तो हमें अब इसके आगे हल नहीं करना है, करणी 7 बटे 4 ये हमारा क्या होगा, एक आंसर हो जाएगा, मतलब cos का मान हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी प्रकार से जब हम अब काय का मान निकालना हमें, tan a का। इसी प्रकार से जब हम tan a का मान निकाल रहे होंगे स्टूडेंट्स, tan a का मान, तो tan का आपको दिख नहीं रहा, हाँ यहां देखो आप, अब हम काय का मान निकाल रहे हैं tan a का, ठीक है स्टूडेंट्स। जब हम tan a का मान निकाल रहे होंगे तो tan क्या होता है, आपको फार्मूला पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, tan होता है लंब बटे आधार, ठीक है, ये देख लेना आप, पिछले वीडियो में हमने सरल तरीके से बताया है। अब लंब बटे आधार, तो देखो इसमें आप समकोण त्रिभुज में देख रहे हो, तो लंब कितना दिया आपको, न्यून कोण के सामने की वजह लंब कहलाती, लंब कितना दिया, लंब कितना दिया 3, और आधार कितना दिया, करणी 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 3 बटे करणी 7, कितना हो जाएगा, 3 बटे करणी 7, इसका क्या आ रहा होगा, इसका आंसर आ रहा होगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने एक क्वेश्चन देखा, अब इसी के अगले प्रश्न को देखते हैं। इसी में अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहे हैं, उसमें कह रहे हैं ये अगला जो प्रश्न हमने लिया है,
ये 8.1 का प्रश्न क्रमांक 4 है, कह रहे हैं यदि 15 कोटे बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करो। तो फिर हमें वही कर लेना है, क्या करना, उन्हें हमें क्या दे रखा है, उन्हें दिया है 15 कोट ए बराबर 8, इसलिए जब हम यहां से केवल कोट ए का मान निकाल रहे होंगे तो कोट ए निकल रहा होगा 8/15। ठीक है, देखो जो ये इसके साथ गुणा में रहती है, मान चलो एक्स लिखे हैं तो ये सामने वाली संख्या के हमेशा बटे में जाती है। अब हमें ये पता होना चाहिए 8/15 कोट ए का मान मिल गया, अब हमें स्टूडेंट्स ये पता होना चाहिए कि कोट बराबर होता क्या है। तो जैसे हमने आपको फिर से आप देख सकते हो ये स्लाइड देख लो आप, हमने आपको बताया था लाल बटे कका ये साइन कहलाता है लंब बटे कर्ण, कोस कहलाता है आधार बटे कर्ण, टेन कहलाता है लंब बटे आधार। और हमने फिर आपको यही बताया था टेन का उल्टा, देखो यहां पर टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। यदि टेन लंब बटे आधार है तो कोट आधार बटे लंब होगा। तो यही यहां पर दिया है कोट ए, टेन लंब बटे आधार होता है तो कोट ए क्या होगा, ये होगा आधार बटे लंब। मतलब यहां पर आधार कितना दे रखा है 8 और लंब कितना दे रखा है 15। अब हमें क्या निकालना है, यहां आधार और लंब दे दिए तो आप खुद बताओ समकोण त्रिभुज में अब अपनी तीसरी भुजा कौन सी बची, कर्ण बची, मतलब कर्ण हमें फाइंड करना है। तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाना ही पड़ेगा आपको और इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगी, बस इतनी सावधानी रखना। इसमें क्या दिया था कोट ए, तो ए आप यहां मान लेना और यहां मान लेना थीटा, ठीक है, जहां थीटा मानो वहीं ए माना करे। तो ये इसमें लंब जैसी भुजा लगती है और ये लंब ही यहां पर हो जाता है न्यून कोण के सामने की भुजा, ठीक है। अब आप बी सी कहीं भी दे सकते हो, यहां बी नाम रख दो और यहां सी नाम रख दो, ठीक है। इसमें क्या दिया है, आधार कितना दे रखा है 8, आधार भुजा पे यहां 8 लिख लो आप, लंब कितना दे रखा है, यहां दे रखा है 15 और हमें फाइंड क्या करना है कर्ण एसी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज एबीसी में लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो यहां हम लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग बराबर, तो यहां कर्ण क्या है एसी, तो हम यहां लिख रहे होंगे एसी का वर्ग बराबर लंब बीसी का वर्ग धन आधार एबी का वर्ग। मान रखो एसी, एसी तो हमें फाइंड ही करना, चलने दो जो कहते हो बीसी वर्ग, बीसी का मान कितना दिया यहां पर, दिया है 15 का वर्ग, धन एबी कितना दिया, एबी दिया है 8, तो यहां 8 का वर्ग। जब हम 15 का 15 में गुणा कर रहे होंगे तो यहां आ रहा होगा 15 225 और 8 अठैया कर रहे होंगे तो यहां आ रहा होगा 64। जब हम इनको जोड़ रहे होंगे तो 5 और 4 9, 6 और 2 8, यहां आ रहा होगा 289 और ये चल रहा होगा एसी का वर्ग, क्या चल रहा होगा एसी का वर्ग, एसी वर्ग बराबर 289। यदि एसी वर्ग बराबर 289 तो जब हम आगे इसे निकाल रहे होंगे, एसी निकाल रहे होंगे तो वर्ग यहां से हटता है तो सामने वाली संख्या पर वर्गमूल लगता है, ऐसा हमेशा नियम है, आप ध्यान रखो। और आपको ये पता होना चाहिए कि 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17 होता है, ठीक है। 17 का 17 में गुणा करना 289, तो 17 का वर्ग 289, तो 289 का वर्गमूल 17। मतलब हमने ये एसी जो कर्ण था ये फाइंड कर लिया, ये हमें कितना मिल गया 17 इकाई, ठीक है। माप कुछ दी नहीं है तो इकाई ऐसा हम मान सकते हैं। अब हमें देखो समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं प्राप्त हो गई, यदि स्टूडेंट्स हमें समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं प्राप्त हो गई तो हम सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो टोटल होते हैं वो सभी के सभी निकाल सकते हैं, पर हमें पूरे नहीं निकालना है, हमें उनने क्या पूछा है साइन ए और सेक ए। तो जब स्टूडेंट्स हम यहां साइन ए की वैल्यू निकाल रहे होंगे, जब अपन यहां पर साइन ए का मान निकाल रहे होंगे, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइन क्या होता है, तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, ठीक। अब आपको समकोण त्रिभुज में देख लेना है, आप चाहो तो एक बार ऐसा भी लिख लो, बीसी लिख सकते हो आप यहां एक बार इस प्रकार से, बीसी लंब है, उपकरण क्या है एसी, इस फॉर्मेट में भी आप इसे लिख सकते हो, ठीक है। अब आपको लंब कितना मिला यहां पर 15 और कर्ण कितना निकला अपना, कर्ण निकला 17, तो ये 15/17 किसका मान हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा अपना किसका, साइन ए का। समझ में आ रहा क्या, ये साइन ए का मान कितना हो जाएगा अपना, साइन ए हो जाएगा 15/17। अब हमें क्या निकालना है अगला उनने हमसे पूछा है सेक ए, देखो आप क्या पूछा था उनने, अगला ये लिखा यहां पर, ये लिखा अगला मान हमें काय का निकालना है, सेक ए का, ठीक है। तो अब हम फाइंड करते हैं सेक ए की वैल्यू, इसको देखें इसको कैसे हम निकालेंगे, यहां अब हम सेक ए का मान निकाल रहे हैं, सेक ए। सबसे पहले तो आपको फिर वही निष्पत्तियां पता होना चाहिए। अब होता क्या है,
साइन कोस, हमें पता है कि कोस का उल्टा सेक होता है। अब देखो कोस क्या हो रहा था, आधार बटे कर्ण, कोस हो रहा था आधार बटे कर्ण, तो कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। सेक क्या होगा, कर्ण बटे आधार। सेक क्या होता है स्टूडेंट्स, कर्ण बटे आधार, ठीक है। तो वही हमने यहाँ लिख लेना है, सेक क्या होता है, सेक होता है कर्ण बटे आधार। तो यहां पर हमने लिख दिया कर्ण बटे आधार। आप चाहो तो त्रिभुज की भुजाओं के फॉर्मेट में भी आप इसे लिख सकते हो, ठीक है। तो त्रिभुज की भुजाओं के फॉर्मेट में आप कैसा लिखोगे, कर्ण कितना था यहाँ एसी, कर्ण था एसी, आधार कितना था एबी, आधार था एबी। अब इनके आप मान रख दो, हमारे पास तीनों भुजाओं के मान अपन निकाल चुके, दो के उन्हीं ने दिए थे, एक का अपन ने निकाल लिया था। तो एसी कितनी दे रखी है वहां, कर्ण कितना दे रखा है 17, ठीक है, और एबी कितनी दे रखी है 8। तो इसका मतलब क्या होगा, 17/8 ये हमारा क्या निकल आएगा, आंसर निकल आएगा। और स्टूडेंट्स यही उनने कहा था, ठीक। तो ये 17/8 इसका भी आंसर होगा। ये अपने दो क्वेश्चंस हो गए, आगे देखते हैं अगले जो क्वेश्चंस अभी और हैं। रिस्क नहीं लेना चाहते अपन, कुछ प्रश्नों को और हमने लगाया है यहां से, निश्चित रूप से कोई ना कोई प्रश्न आएगा ही, ठीक है। एक और देख लेते हैं, 8.1 का ये पांचवा क्वेश्चंस लगा है स्टूडेंट्स। इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं 8.1 का पांचवा है, यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। मतलब एक तो ये दे दिया, टोटल कितने होते हैं 6 होते हैं, वही साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, तो sec दे दिया, बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करना है, हमें फाइंड करना है, ठीक है। ये 5 नंबर का प्रश्न आता है, बड़े अच्छे से आप समझे सावधानी से। यदि आप इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहते हैं तो आप विश्वास माने ये सभी प्रकार के प्रश्न आप आसानी से हल कर पा रहे होंगे। बस आप इस वीडियो को लाइक करते जाएं, साथ में अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर करने में हमारी हेल्प करें, आप शेयर भी करते चलें, हम आपको पूरी गणित बड़े ही सरल तरीका से करवाने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेक होता क्या है, तो फिर वही स्लाइड हम आपको बता देते हैं। देखो ये है, हमने आपको बताया लाल बटिका का साइन कॉस टेन, कॉस का उल्टा होता है सेक। देखो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, ये सी से शुरू एस से खत्म हो रहा, ये एस से शुरू हो रहा है, ये सी से प्रारंभ हो रहा है, सी पे एंड हो रहा, तो उल्टा होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। अब आप देखो जब अपन इसे हल कर रहे होंगे तो कॉस होता है आधार बटे कर्ण, कॉस क्या होता है स्टूडेंट्स आधार बटे कर्ण, तो सेक क्या होगा कर्ण बटे आधार, सेक क्या होगा कर्ण बटे आधार। अब उनने हमें क्या दे रखा है, उनने दे रखा है sec थीटा बराबर दे दिया है उनने 13/12, और हमें क्या पता है कि sec थीटा क्या होता है कर्ण बटे आधार, sec क्या होता है कर्ण बटे आधार। मतलब उनने 13 क्या दे रखा होगा उसमें, कर्ण भुजा 13 और आधार भुजा कितनी उनने दे रखी हमें 12। अब हम क्या करेंगे भाई, हमें तो अब इसमें कौन सी भुजा नहीं दिख रही, आप खुद दिमाग लगाओ भाई, हमें कर्ण दे दिया और आधार दे दिया। अब उनने कर्ण और आधार दे दिया, क्या नहीं दिया वहां पर लंब नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले लंब को फाइंड कर लेंगे। और यदि आपको पता हो कि 12 और 13 का पाइथागोरिया त्रिक जो है ये 5 के साथ बनता है, तो लंब 5 निकल आएगा। पर ठीक है कैसे निकलता है वो पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज को ड्रा कर लेते हैं, ये तो आपको बनाना ही पड़ता है। ये हमने समकोण त्रिभुज बना लिया, यहां ये 90° का रख दिया। अब आप नाम किसी भी क्रम से दे सकते हो, ए बी सी, और यहां आप नाम दे दो थीटा, तो ये थीटा यहीं दिया करे तो ये भुजा लंब बनी रहती है, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या क्या दे रखा उनने, सेक कर्ण कितना दे रखा 13, तो एसी समकोण के सामने की भुजा कर्ण की जगह आप 13 लिख दो। फिर उनने आधार कितना दे रखा, आधार दे रखा 12, हमें लंब पता नहीं है, एबी का मान पता नहीं है, तो एबी का मान हम फाइंड कर ले रहे हैं कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो जब हम संपूर्ण त्रिभुज ये लिखा जाता है, संपूर्ण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे होंगे, तो एसी का स्क्वायर बराबर यहां लिख रहे होंगे कर्ण का वर्ग बराबर एबी लंब का वर्ग धन बीसी आधार का वर्ग। एसी कितना दिया यहां पर 13, तो यहां हम लिख देंगे 13 का वर्ग, एबी अज्ञात है ये हमें फाइंड करना है, और बीसी कितना है 12 का वर्ग। 13 का 13 में गुणा 2 बार 2 की घात है, तो कितना आ रहा होगा 169 बराबर एबी का वर्ग धन 12 × 144। यहां 169 और 144 का हम पक्षांतरण कर रहे हो, तो बराबर किस तरफ ये धन के, इस तरफ आकिरण के होंगे। ए बी वर्ग को हमने कहीं नहीं किया, ए वर्ग का हमें मान ही निकालना है। तो जो कहते हो 169 में से स्टूडेंट्स जब हम 144 घटा रहे होंगे तो 9 में से 4 गए यहाँ 5, और 6 में से 4 गए 2, यहां बच रहा होगा 25। तो 25 बराबर क्या मिला, ए बी वर्ग, या इसे हम कह सकते हैं ए बी वर्ग बराबर 25।
जब हम इसे आगे बढ़ा रहे होंगे तो ए बी वर्ग बराबर 25, ये वर्ग हटेगा तो 25 पे क्या लगेगा वर्गमूल, वो 25 का वर्गमूल कितना होता है स्टूडेंट्स, 5 होता है। मतलब हमने क्या फाइंड कर लिया, हमने ये पता कर लिया कि ए बी जो है ठीक है, और ये 5 क्या निकल आया, ए बी जो है ये लंब निकल आया, ठीक है आप समझना, लंब कितना निकल आया हमारा, लंब निकल के आया 5, और जो भी इकाई सेंटीमीटर वगैरह तो है नहीं, तो यहाँ आप चाहो तो अलग पेन से यहाँ पर 5 लिख सकते हो। अब देखो हमारे पास समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं प्राप्त हो गई, अब हम अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। तो पहला अनुपात हम यहां से, अब हम आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना बता रहे कि आप कैसे इनको हल कर सकते हैं आगे। तो सबसे पहले तो हम इसी का रिवर्स कर दें, ठीक है किसका, जैसे सेक उन्होंने कितना दिया था 13/12, तो आपको पता है कि कॉस काय का उल्टा होता सेक का, यदि सेक दिया है आपको कितना 13/12, तो कॉस क्या होगा ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, 12/12 कितना कर दो आप 13, ये कॉस निकल आया, ठीक है तो ये दूसरा मान निकल आया। अगला तीसरा, अब क्या कह रहे थे वो, अपन ने साइन निकाल दी, एक सेक निकाल दी, कॉस निकाल दिए, चलो शुरू में साइन पे ही आ जाओ, सभी निकालना है। अब साइन थीटा क्या होता, तो आपको पता होना चाहिए साइन थीटा होता है लंब बटे करण। अब इस संपूर्ण त्रिभुज में आप देखते जाओ, आपके पास आप लंब कितना है 5, लंब है 5, और करण कितना है संपूर्ण के सामने, करण है 13, तो साइन थीटा आ जाएगा 5/13, ये आंसर हो गया। अब देखो साइन का उल्टा क्या होता, आपको पता है साइन का उल्टा क्या होता, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कह रहे थे हम इसी प्रकार से बोलना आप, साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट, ठीक है तो साइन हो गया, यदि साइन है यदि 5/13 लंब बटे करण, तो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है। तो जब आप यहां से कोसेक थीटा निकाल रहे होंगे तो कोसेक थीटा हो रहा हो करण बटे लंब, आप चाहो तो एक बार लिख लो, ये हो रहा होगा करण बटे लंब, वो करण कितना है अपना ये 13 है, और लंब कितना है 5, तो 13/5 ये कोसेक का मान हो गया। अब हमारे पास कितनी निष्पत्तियां हो गई, सेक 1, 2, 3, 4, अब हम आ जाते हैं पांचवी निष्पत्ति पे, तो पांचवी निष्पत्ति क्या थी अपनी, पांचवी निष्पत्ति है टेन और कॉट, और रह गए आपको ये सब खबर होना चाहिए, पांचवी निष्पत्ति है टेन थीटा। अब आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, टेन थीटा कितना होता है, टेन थीटा स्टूडेंट्स होता है क्या लंब बटे आधार। अब आप डायरेक्ट लिख दो लंब कितना है 5, ठीक, और आधार कितना है 12, त्रिभुज में देखते जाओ। अब टेन का उल्टा क्या होता है, आपको पता है टेन का उल्टा क्या होता है स्टूडेंट्स, टेन का उल्टा होता है कॉट, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो जब आप यहां से कॉट थीटा का मान निकाल रहे होगे, तो यदि टेन 5/12 है तो कॉट कितना होगा, इसको पलट दो 12/12 कितना होगा 12/5, ठीक है यदि टेन है 5/12 तो टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉट होगा 12/5, तो ये हमारे पूरे के पूरे आंसर बड़े आसानी से निकल आए। अब आप देखो 6 निष्पत्तियां ये हो गई, ठीक है तो ये प्रश्न आप जरूर करना, ये पिछली बार शायद हमें ध्यान है 5 अंक का ये प्रश्न पूछा गया है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, अगला जो क्वेश्चन हमने लिया है ये भी ठीक इसी प्रकार से है, इसमें क्या कह रहे हैं 8, ये क्वेश्चन जो है 8.1 का 7वां का पहला, कह रहे हैं यदि कॉट बराबर 7/8 है, क्या कह रहे हैं कोट थीटा बराबर 7/8 है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि टेन क्या होता है लंब बटे आधार, ठीक, इनने हमें मान दे रखा है किसका कोट थीटा का, कोट थीटा कितना दे रखा है इनने 7/8, यदि कोट थीटा 7/8 है, जैसे आपको पता होना चाहिए कि टेन क्या होता है, तो हमें पता है कि टेन होता है कितना लंब बटे आधार, यदि टेन होता है लंब बटे आधार तो कोट होगा आधार बटे लंब, उल्टा होता मतलब ये 7 क्या दे रखा है आधार और 8 क्या दे रखा है लंब। अब हमें निश्चित रूप से कर्ण फाइंड करना ही होगा, ठीक, तो सबसे पहले तो आप कर्ण फाइंड कर लो इसमें, ठीक है क्योंकि यहां देखो जब हम हल कर रहे हैं तो साइन हमें लिखा मिल रहा है, कोस भी मिल रहा है, मतलब इनमें कर्ण की जरूरत हमें पड़ती है। तो पहले हम आपको बता ही चुके कि संपूर्ण त्रिभुज में दो भुजाएं दी हैं और तीसरी भुजा हमें फाइंड करना है, तो हम निश्चित रूप से क्या लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं। तो जब आप थीटा यही मानना, आप एबीसी कहीं भी मानना, क्योंकि न्यून कोण के सामने की बजाय ये फिर लंब बनी रहती है, ये यहां कर्ण होगा और यहां क्या होगा आधार, ये समकोण बन गया, ठीक है तो आधार कितना दे रखा उनने, आधार दे रखा स्टूडेंट्स यहां पर 7, हमने 7 लिख दिया, और लंब कितना दे रखा है, लंब दे रखा है कितना उनने ए सॉरी आधार है 7 और लंब है कितना 8, ठीक है कर्ण हमें फाइंड करना, तो लगाओ इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं सबसे पहले,
तो जब आप समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगा रहा होंगे तो यहां मिल रहा होगा हमें एसी का वर्ग बराबर माने कर्ण का वर्ग बराबर एबी लंब का वर्ग धन बीसी आधार का वर्ग। ये फार्मूला आप रटना नहीं कि एसी वर्ग बराबर एबी वर्ग धन बीसी वर्ग। यदि इस प्रकार से नाम दो ऐसे समकोण यहां बना हो थीटा यहां, तो ये फार्मूला लगता है ना लंबा आधार सब बदल जाते हैं। ठीक है, तो एसी वर्ग बराबर ये हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाया। अब एसी कितना, एसी तो हमें फाइंड ही करना, कर्ण तो हमें इसमें दिया ही नहीं है, तो ये जो कहते हैं चलने दो एसी का वर्ग बराबर। अब एबी का वर्ग मतलब लंब दिया है देखो समकोण त्रिभुज में कितना हमें 8, तो 8 का वर्ग धन बीसी कितना दिया 7, तो यहाँ 7 का वर्ग। जब आप यहाँ लिख रहे होगे एसी वर्ग बराबर तो 8 × 64 और 7 × 49। ठीक है स्टूडेंट्स, जब आप इसे सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो आप इनको जोड़ दो, 4 और 9 कितने हो गए 13, 13 की 3 हंसलाई 1, 4 और 13 = 3 हंसलाई 1, 6 और 4 = 10 और 1 कितना हो गया 11 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया 11 हो गया। अब जब हम इनको जोड़ रहे होंगे तो इनका जोड़ स्टूडेंट्स कितना आ रहा होगा 113। ठीक है, तो यदि हम यहां एसी वर्ग बराबर 113 है तो हम ये कह सकते हैं कि यदि हम एसी का मान निकाल रहे होंगे तो ये वर्ग यहां से हटेगा तो यहां 113 पे क्या लगेगा वर्गमूल, मतलब एसी का मान कितना आ गया कर्ण का रूट ओवर 113। अब चाहे तो हम यहां कर्ण की जगह रूट ओवर 113 अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं, अब हम यहां पर 113 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये प्रश्न हमें आसान हो जाने वाला है। अब आते हैं हम मान काय का निकालना है, देखो यहां हमें मान निकालना है 1 ÷ sin θ × 1 ÷ sin θ / 1 ÷ cos θ / 1 ÷ cos θ। स्टूडेंट्स एक फार्मूला होता है यहां शार्ट में हम आपको बताए देते हैं, वो फार्मूला आपको यहां लगाना है। वो फार्मूला क्या होता है, वो फार्मूला स्टूडेंट्स ये है, यदि कहीं इस फॉर्मेट में लिखे हैं कि a प्लस बी एक कोष्टक में और a माइनस बी एक कोष्टक में, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, आप पढ़े होंगे पिछली कक्षाओं में, या इसको इस तरफ लिख दो पूरे को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसका मतलब ये होता है कि ये इसके गुणनखंड कहलाते हैं और ये गुणनफल कहलाता है इस तरफ का। ठीक है, यदि इस फॉर्मेट में लिखे हैं तो हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं और इसमें लिखे हैं तो इसमें लिख सकते हैं, तो ये गुणा के फॉर्मेट में लिखे हैं तो हम इनको गुणनफल के फॉर्मेट में जब लिख रहे होंगे तो आप देखना इसका मान हमें क्या मिल रहा होगा। आप चाहो तो फिर से लिख लेना यही, ठीक है चलो फिर से लिखे देते हैं हम यहां पर। तो जब हम फिर से लिख रहे होंगे तो यहां लिखा है 1 ÷ sin θ, ठीक है, और कोष्टक में लिखा है 1 ÷ sin θ और बटी में क्या चल रहा है, यहां लिखा है 1 ÷ cos θ और फिर 1 ÷ cos θ। ठीक है स्टूडेंट्स, जब अपन इसे आगे सिंप्लीफाई कर रहे होंगे, इसे सरलीकृत कर रहे होंगे तो क्या मिल रहा होगा a ÷ b और a ÷ b, तो हम कहेंगे a² ÷ b² ऊपर का मान। ठीक है, a की जगह 1 है, b की जगह sin थीटा है, ये मिलेगा हमें यहां कोष्टक लगा दो, और बटे में यहां क्या मिल रहा होगा, फिर वहां यही मतलब यही है a ÷ b a ÷ b, तो फिर से a² ÷ b² यही फार्मूला लगा रहे हम a वाला। ठीक है, समझ रहे होंगे आप a ÷ b a ÷ b² ये फार्मूला दोनों जगह यहां पर लग गया, समझ गए बिल्कुल ठीक। अब या फिर इसे हम ऐसा भी लिख सकते, देखो एक का वर्ग क्या होता है एक ही होता, तो 1 ÷ sin² θ मिलेगा बटे यहां 1² फिर 1 ही होता तो 1 ÷ cos² θ मिलेगा। अब आपको क्या कर लेना है, इसी सर्वसमिका को पहले आगे तक बढ़ा लेना है। तो जब आप इसे आगे बढ़ा रहे होंगे, सर्वसमिका 1 जो थी sin²θ + cos²θ = 1 होता है, यदि कभी भी एक में से sin²θ घटते हैं तो वहां लिखा जाता है cos²θ, ध्यान रखना, और कभी भी यदि एक में से cos²θ घटा मिलता है तो इसका मान क्या होता है sin²θ। आप चाहो तो बाजू में सूत्र ये लगा के लिख सकते हो कि ये ऐसा होता है। ठीक है, तो हमें फाइनल रिजल्ट जो मिला अभी वो कितना मिला, इस पूरी सर्वसमिका को जब हमने बदला तो हमें मिल गया cos²θ बटे कितना मिल गया sin²θ। आप चाहो तो कई तरीका से कर सकते हो, ठीक है, कई तरीका से कर सकते हो, कॉस का सूत्र लिख लो, साइन का सूत्र लिख लो, तो ऐसे ही कर रहे हैं हम, या फिर आप मान रख लो, जैसा भी करना हो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं यहां, आप देखो कॉस का साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, और कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो यही हम यहां पर अब लिखने वाले हैं। यहां कॉस की जगह क्या लिखेंगे हम, कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो यहां लिख रहे होंगे हम आधार बटे कर्ण, और पूरे पे वर्ग लगा तो यहां पर हम वर्ग भी लगा रहे होंगे। ठीक है, और उसके बटे यहां लिखा है साइन,
तो आपको पता है साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण उपूरे पे वर्ग लगा, तो हम वर्ग लगा रहेंगे। अब हम इनके मान यहां पर रखेंगे। अब आप चित्र में देखो आधार कितना दिया आपको, आधार कितना दिया देखो, आधार दिया है आपको कितना, सात। आधार कितना दिया, आधार है सात, तो आधार की जगह हम लिखेंगे सात बटे कर्ण कितना है, कर्ण है रूट ओवर 113, वर्गमूल के अंदर 113, और फिर यहां पर इसका वर्ग लगा तो हमने वर्ग लगा दिया, और बटे फिर लंब, लंब कितना है इसका आठ, बटे कर्ण, कर्ण कितना है इसका रूट ओवर ये 113, इसीलिए तो हमें निकालना पड़ा क्योंकि इनकी जरूरत थी, और पूरे पे वर्ग लगा तो हम वर्ग लगा देंगे। स्टूडेंट जब हम इसे हल कर रहे होंगे तो सात का वर्ग सात सतैया कितना मिलेगा 49, बटे कर्ण ही रूट ओवर 113 गुणा रूट ओवर 113, क्योंकि दो की घात है तो दोनों का गुणा करेंगे दो बार, तो देखो रूट से रूट कट जाता है यदि दो बार गुणा करते हैं, तो वर्गमूल 113 का वर्गमूल 113 में जो गुणा होता है वो होता है शुद्ध 113, तो यहाँ 113 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार जब हम कर रहे होंगे यहां पर कर रहे होंगे तो आठ का वर्ग कितना होगा 64 होगा, और जब हम वर्गमूल 113 गुणा वर्गमूल 113 दो बार लिख रहे होंगे तो ये केवल कितना आ जाएगा 113 ही आ जाएगा। ठीक स्टूडेंट्स, इस स्टेप को जब हम आगे बढ़ा रहे होंगे, जरा ध्यान से देखना यहां पर जगह कम है, जब हम इस स्टेप को आगे बढ़ा रहे होंगे तो ये हमें मिल रहा होगा 49 बटे 113। अब देखो वहां बीच में कौन सा सिंबल लगा है, तो जब आप देख रहे हो वहां बीच में लगा है कौन सा, भाग का निशान, कौन सा निशान लगा है बीच में, बीच में लगा है भाग का निशान, तो देखो ये है भाग का निशान। तो पहली इसको कैसे हल किया जाता, भाग कभी ऐसे नहीं होता भिन्नों का, भाग को बदला जाता है काय में गुणा में, तो इसकी जगह हम लगाएंगे गुणा, और नीचे की संख्या हमेशा क्या होती है स्टूडेंट्स, नीचे की संख्या हमेशा पलटती है, ठीक है, हमेशा नीचे की संख्या पलटती है। इसको हम क्या लिख रहे होंगे, 64/113 को हम लिख रहे होंगे 113/64। अब देखो गुणा है यदि, तो ये 113 से 113 कट रहे होंगे, यहां दिख नहीं रहा है आपको, मिस्टेक सॉरी भाई, ठीक है देख लेना आप, ये हमने लिखा 7/113, मतलब ये आधार बटे कर्ण का मान लिखा, फिर उसके बटे हमने लंब बटे कर्ण लिखा, संपूर्ण त्रिभुज में देख के आप लिख सकते हो, तो ये 7/49 कर्णी 113 गुणा कर्णी 113, 8/64 हटेंगे, और ये इस भाग का क्या किया हमने, भाग का किया गुणा, तो क्या होता है ऊपर की संख्या जो है 49/113, ये ऊपर की ज्यों की त्यों लिखती है, इस भाग का जब गुणा होता है तो ये नीचे की पलट जाती है, 64/113 के 113/64 हो गए। अब हम यहाँ काट देंगे गुणा है तो 113 से 113 कट गए एक एक बार, और जो बचता है ऊपर ऊपर गुणा कर लेते हैं, नीचे नीचे कर लेते, 49 का जब एक में कर रहे होंगे तो यहाँ 49 आ रहा होगा, और जब हम 64 का एक में कर रहे होंगे तो 64 आ रहा होगा। अब ये देख लो इनके मानक रूप में लिखो, इनके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लघुत्तम रूप या संक्षिप्त रूप कहलाता भिन्न का, क्या कोई ऐसी संख्या है जिससे ये दोनों कट रहे, तो नहीं है, हमें नहीं आ रहा समझ में, इसलिए 49/64 इसका क्या होगा स्टूडेंट्स आंसर हो जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला उनने क्या कहा है, दूसरा यही प्रश्न दे देंगे वो जैसा अभी था, कि कोट थीटा बराबर 7/8, तो कह रहे हैं कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालो, तो देखो उनने इसको तो हम बड़ी आसानी से कर सकते, उनने क्या दिया है, उनने दिया है कोट थीटा बराबर कितना दे रखा है 7/8, तो क्या कह रहे हैं कोट स्क्वायर थीटा का मान कह रहे हैं, तो भाई जब आप यहाँ कोट स्क्वायर थीटा का मान निकाल रहे होगी कोट स्क्वायर थीटा का, तो उस यहाँ यदि वर्ग कर दिया उनने तो आप यहाँ भी वर्ग कर दो, इसका मतलब यही तो होता है, तो आप यहाँ 7/8 पे भी क्या कर रहे होंगे वर्ग कर रहे होंगे, वो वर्ग का मतलब क्या है इसका कितने बार मल्टीप्लाईकेशन, दो बार, तो 7 का दो बार गुणा 7 सतैया 49, और 8 का दो बार गुणा 8 अटैया 64, तो 49/64 क्या रहा होगा, 49/64 इसका भी आंसर आ रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों के आंसर 49/64। आज का वीडियो आपको कैसा लगा तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, इसके पहले हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं मैथ्स त्रिकोणमिति की 10th की मैथ्स में, आप प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं। अगला जो हमारा ये तीसरा पार्ट था त्रिकोणमिति में, 5 पार्ट में हम इसको पूरा करेंगे। अगला जो चौथा हमारा पार्ट होगा ये या तो सही जोड़ियों पर आधारित होगा, हम छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप, क्योंकि सही जोड़ियां आपको यहां से 5 अंक की आना है, तो या तो सही जोड़ियों को हम ले आएंगे या फिर अगले पार्ट में हम ऊंचाई दूरी वाले क्वेश्चंस को लाएंगे। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।